Good morning friends. In the last video you have learned importance of business environment. Now in today's session we will study dimensions or elements of business environment. Business environment ke features mein aapne padha ki yeh two parts mein two types mein divide ho sakta hai. Specific environment and general environment. Specific environment jaise investors, customer, competitor or suppliers. इसके एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दिए थे. यह माइक्रो नेचर के होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपके करिकुलम में इनकी डिटेल्स नहीं है. नाउ द सेकेंड इज जनरल एनवायरनमेंट, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी वर्ड्स में आपको इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है. नाउ वी सी द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज. इसका मतलब वह सभी फोर्सेस, फैक्टर्स, कंपोनेंट्स जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नाउ वी सी दिस कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम. यह सिस्टम थ्री टाइप्स का होता है, जैसे सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने का समान अधिकार है. ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस होता है. नाउ द सेकेंड इज आरबीआई रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड अदर बैंक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट मनी एंड बैंकिंग में मैंने आपको यह सभी डिटेल में एक्सप्लेन किया है. अभी हम यहाँ ब्रीफ में देखते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट की बैंक है, अदर कमर्शियल बैंक्स की बैंक है. अदर कमर्शियल बैंक्स लोन्स एंड एडवांसेस के लिए आरबीआई पर डिपेंडेंट होती है. जैसे आरबीआई का करंट बैंक रेट है 4.65%. यदि आरबीआई यह इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो अदर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा. अब लोन सस्ता होने से प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फर्म्स भी ज़्यादा लोन्स एंड एडवांसेस लेंगे, जिससे बिजनेस एक्टिविटीज इंक्रीज होगी. जैसे ऑटोमोबाइल सेल भी इंक्रीज होंगे, फ्लाइट्स की सेल इंक्रीज होगी, हम ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे. नाउ थर्ड इज इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट का मतलब है महंगाई दर, जो प्रेजेंट है कंडीशन में है 3.34%. महंगाई दर का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गए हैं, जिससे मनी की परचेसिंग वैल्यू कम हो गई है. यह महंगाई दर इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी बैडली अफेक्ट होती है. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल इनकम. इसका मतलब है टैक्सेस पे करने के बाद बची हुई इनकम, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं. यदि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए तो इंडिविजुअल्स के पास डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, जिससे वह ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, इससे इकोनॉमी डेवलप होगी. नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स. जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स. जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वह इंडियंस हो या फॉरेनर्स, उन्हें शेयर प्राइसेस कम ज़्यादा होने से या यह इंडेक्स चेंज होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. आजकल हमारी इकोनॉमी में भी शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रोल है. नाउ नेक्स्ट इज रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इन जनरल द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इज 3-4% एंड ऑन फिक्स डिपॉजिट इट इज 3-6%. यह इंटरेस्ट रेट बैंक, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट के साथ चेंज होते हैं. इन्वेस्टमेंट के सेफ ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, LIC.
कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस किए, उससे कुछ लोगों का मानना है कि मिडिल इनकम ग्रुप पीपल के लिए अब फंड्स इन्वेस्ट करने का एक ही जगह है और वह है शेयर मार्केट, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं और साथ ही वह टैक्सेबल भी हो गए हैं। द नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यदि इंडियन रूपी डेप्रिशिएट होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होती है, तो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा रुपीज में पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि हमें ज्यादा एक्सपोर्ट्स करके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज करने चाहिए ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड हो। कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। यदि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो इंडिविजुअल इनकम के साथ साथ नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी। नाउ द लास्ट इज एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। यदि इंडिया के हर कोने में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो, जैसे रेलवे, रोडवे, फोन, इंटरनेट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो पूरा भारत कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम किसी भी कोने से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज या सेल कर सकते हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड एरिया में भी लगाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि यह कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो आप थॉट्स में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। नाउ द सेकेंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज सोशल एनवायरनमेंट। इट रिप्रेजेंट्स द कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, बिलीफ, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ अ सोसाइटी इन विच बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट। नाउ वी सी डिटेल्स ऑफ दिस टर्म्स। ट्रेडिशन यानी परंपरा, सोशल प्रैक्टिस सामाजिक प्रथाएं जिन्हें हम बहुत सालों से मान रहे हैं, जैसे फेस्टिवल्स दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बहुत सी एंटरप्राइजेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। इस समय उनकी क्लोथ्स, गिफ्ट्स, स्वीट्स की अच्छी सेल होती है। स्पेशलिटी ऑफ अ प्लेस जैसे जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा, तमिलनाडु का पोंगल, कलकत्ता की, बंगाल की दुर्गा पूजा, गुजरात का काइट फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। इस ओकेजन पर यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है, जैसे लॉजिंग, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्लोथ्स, गिफ्ट्स आइटम एक्सेट्रा। नाउ सी वैल्यूज। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ही एक पार्ट है, तो जिन वैल्यूज को, जिन प्रिंसिपल्स को सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉलो करना चाहिए, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों को सेम वेजेस, सेम वर्क के लिए मिलनी चाहिए। हर किसी को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अप्लाई करने की परमिशन होनी चाहिए, साथ ही आपकी शॉप विजिट करने की भी परमिशन होनी चाहिए। नाउ द थर्ड इज सोशल ट्रेंड्स, मीन्स चेंज इन लाइफस्टाइल। सामाजिक चलन बदलने से डिमांड पैटर्न भी चेंज हो जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ के लिए थ्रेट। जैसे फॉरेन कल्चर एडॉप्ट करने से ट्रेडिशनल ड्रेस और स्वीट्स की जगह हम केक, जीन्स टी शर्ट, चाइनीज फूड, इटालियन फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा हमारे समाज में कुछ बैड नॉर्म्स, कुछ कुरीतियाँ थी, जिसे गवर्नमेंट और कुछ समाज सुधारकों ने मिलकर दूर किया, जैसे जातिवाद, सती प्रथा, दहेज प्रथा, तीन तलाक सिस्टम। मिस्टर मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान दिया,
वह भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट को चेंज करने का एक प्रयास है. Now we try to understand components of social environment with the help of an example. Educational awareness के कारण ladies में भी literacy rate increase हुआ है. Education, employment और politics में minority section के साथ कुछ seats ladies के लिए भी reserved है. हर organization में ladies को भी काम करने का समान अधिकार है. इनकम इंक्रीज होने से उनकी कंजम्पशन हैबिट चेंज हुई है. जैसे वे अब फॉर्मल वेयर, कॉस्मेटिक्स, पैक्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़्यादा डिमांड करती है. जॉइंट फैमिली की जगह अब हमें न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा मिलती है. वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इंक्रीज हुआ है और डेथ रेट डिक्रीज हुआ है. इसके साथ ही बर्थ रेट भी डिक्रीज हुआ है क्योंकि फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट इज रनिंग. वी ऑल वांट क्वालिटी लाइफ फॉर अस. नाउ द प्रोडक्ट इनोवेशन लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ऑल्सो इफेक्ट द सोशल एनवायरनमेंट. I hope you have understood social environment well. Now the third dimension of business environment is technological environment. It includes forces relating to scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating business. साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कारण हमें बेटर गुड्स एंड सर्विसेज रिजनेबल प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं. इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन में भी टेक्नोलॉजी के नए तरीके मिले हैं जैसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. इंजीनियरिंग और साइंटिफिक फील्ड में भी इनोवेशंस हुए हैं जैसे लेजर ट्रीटमेंट, रोबोट्स फॉर डोमेस्टिक वर्क एंड ऑपरेशंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स एक्सेट्रा. कोरोना महामारी के दौरान ऐसे रोबोट्स बनाए गए जो नर्स का काम करें. चंद्रयान 2 मंगल मिशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. जुलाई 2015 में मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया की घोषणा की जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है. गवर्नमेंट सोलार सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है और इसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं. ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ई लर्निंग, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयरवे एंड रेलवे टिकट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. आरोग्य सेतु ऐप, वुमेन सेफ्टी ऐप टेक्नोलॉजी की ही देन है जो हमारी सुरक्षा का भी वादा करते हैं. यह टेक्नोलॉजी हमारे विलेजेस तक पहुंच चुकी है इसलिए हमारे फार्मर्स को अब कोई चीट नहीं कर सकता. उन्हें करंट प्राइसेस पता है. वे ऑनलाइन भी अपने एग्रीकल्चर गुड्स सेल कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट.